फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ किस तरीके से आप इजी तरीके से अपने फ़ोन में सैमसंग के डिवाइस में आप लोग को लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर यही से बात करने वाला हूँ फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में घंटे का ऑप्शन आए तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं इन आप देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी ऑप्शंस नहीं देखने को मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे सेट करेंगे, इसके लिए फ्रेंड्स आपको जाना पड़ेगा और यहाँ पे गैलेक्सी स्टोर पे इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे सर्च बार दिखेगा, तो यहाँ पे आपको सर्च करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पर सिक्योर लिख के सर्च कर देना। उसके बाद सर्च करते ही आपको इसको यहाँ से इस पर क्लिक कर देना है। एरो पे क्लिक करते ही आपका एक सेकेंड, पहले ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से बोल रहे हैं साइन इन, मैं लेटर कर देता हूँ और डोंट शो अगेन पे क्लिक कर देता हूँ। लेटर पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का ऑप्शन आएगा और कुछ ही मिनट में आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और ये फ्रेंड्स, आप टेंशन मत लीजिए क्योंकि ये सैमसंग के खुद के स्टोर पर है और ये उसी का डेवलप किया हुआ एप्लीकेशन है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये सिक्योर है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद इस तरीके का ऑप्शंस दिखेगा, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं। आप चाहे तो इसको वाईफाई से भी कंट्रोल कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको इसको भी ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर पैटर्न लॉक, पिन लॉक या फिर पासवर्ड, पासवर्ड में ये होता है नाम वगैरह लिख सकते हैं या, और तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पास ये वाले ऐप लॉक पैटर्न लॉक को सेट कर लेता हूँ। तो इस पर इस तरीके से लगाना है और यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आपको फिर से आपको इस तरीके का ऑप्शंस दिखेगा। तो आपको इस तरीके का ऑप्शन दिखेगा तो आपको क्या करना है, इस पर कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सेट हो चुका होगा। उसके बाद आपको ऐप लॉक लगने के बाद आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दिखेगा, लॉकेट ऐप्स, इस पर क्लिक करें। तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जिस जिसको करना चाहते हैं, मैं सभी को करना चाहता तो ऑल सेलेक्ट कर लिया और डन कर लिया, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे उसके बाद हम बैक करेंगे। बैक करने के बाद आप देख सकते हैं 44 ऐप्स यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ से मैं बाहर जाके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं सभी ऑलमोस्ट ज़्यादातर फ़ोन में ज़्यादातर देख सकते हैं यहाँ पे सभी में लग चुका है और इसी प्रकार से आप भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार एंड गुड बाय, टेक केयर।